नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। उत्तराखंड में हो रहे इन्वेस्टर्स समिट को लेकर अहमदाबाद में 20,000 करोड़ के करार के बाद बीजेपी नेताओं की बातचीत खिली दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर पार्टी के कार्यकर्ता गदगद हैं और उनमें उत्साह की लहर भी है। मगर कांग्रेस लगातार इस सम्मेलन को लेकर संशय की स्थिति में है और पुराने इन्वेस्टर मीट की याद भी दिला रही है। सवाल ये उठता है कि 2.5 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतार पाने का लक्ष्य क्या बीजेपी सरकार पूरा कर पाएगी और कांग्रेस के संशय को दूर करने में क्या कामयाब हो पाएगी। तो लगातार उत्तराखंड में हो रहे इन्वेस्टर मीट को लेकर जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद कांग्रेस बार बार इसको लेकर संशय खड़ा कर रही है। बार बार कांग्रेस का कहना है कि एक बार पहले भी इन्वेस्टर मीट बीजेपी की सरकार में हुआ था, क्या इस बार भी वही इतिहास फिर से अपने आप को दोहराने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मेहनत के बाद जब धरातल पर ये निवेश दिखाई देने लगेगा, उसके बाद ही माना जा सकता है कि उत्तराखंड में इन्वेस्टर मीट सक्सेसफुल यानी कि कामयाब हो पाया है। तो आपको दिखा रहे हैं कुछ ऐसे बिंदु जो इन्वेस्टर मीट को लेकर खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, इन पर एक नजर डालिए। तो जिस तरह से उत्तराखंड में 8 और 9 दिसंबर को इन्वेस्टर समिट होना है और उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उनकी टीम लगातार भागदौड़ कर रही है, दुबई लंदन से लेकर अहमदाबाद और मुंबई दिल्ली तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन्वेस्टर्स को रुझाने के लिए, उद्योगपतियों को मनाने के लिए और साथ ही साथ उत्तराखंड में उनको लाने के लिए लगातार लंबी रेस लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से लगातार इस पर सवाल खड़ा कर रही है और वो सवाल एक तरह से यदि देखा जाए तो सवाल पूछना लाजमी भी है, क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार में एक बार पहले भी इन्वेस्टर्स समिट हो चुका है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी जी हैं, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। इसके अलावा बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र भसीन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आम आदमी पार्टी से नेता राजेश बिष्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आपका भी। तो सबसे पहला सवाल यहाँ पर देवेंद्र भसीन जी आपसे ही है, जिस तरह से लगातार 2.5 लाख करोड़ के निवेश की बात कर रहे हैं और 90,000 करोड़ का लक्ष्य पूरा भी कर लिया गया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा, लेकिन कांग्रेस बार बार इस पर सवाल उठा रही है और वो सवाल जायज भी है। एक बार पहले भी इन्वेस्टर्स मीट आपकी सरकार में हो चुका है, ये 2.5 लाख करोड़ का निवेश पहले तो होना और उसके बाद धरातल पर उतरना यानी कि उत्तराखंड की जनता को उसका लाभ मिल पाना, कैसे होगा ये संभव? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी लगातार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और यही कारण है कि अब तक जबकि समिट जो है 8 और 9 दिसंबर को होनी है, उससे पहले ही 90,000 करोड़ रुपए के जो है MOU साइन हो गए। और इसमें ये भी बात जोड़ना चाहूंगा कि पहले ये तय किया गया था कि इन्वेस्टर समिट से पहले मुख्यमंत्री जी जो रोड शो करेंगे उसके माध्यम से हम 30,000 करोड़ के जो MOU है वो साइन करेंगे, लेकिन जो लगातार उनके द्वारा मेहनत की गई अब 30,000 करोड़ से बढ़कर 90,000 करोड़ पहुंच गए, यानी कि लक्ष्य 3 गुना अभी तक प्राप्त कर चुके हैं। आने वाले दिनों में ये जो राशि है और बढ़ेगी, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रणनीति बनाई है मुख्यमंत्री जी ने, जहां एक और जो उद्योगों की पॉलिसी है उसको लेकर कई परिवर्तन किए हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए कई प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं, वहीं दूसरी ओर राज्य में जो हमारे MOU हैं उनको धरातल पर उतारने की भी रणनीति बन चुकी है। उदाहरण के लिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, जैसे कि 500 करोड़ रुपए से जो अधिक के इन्वेस्टमेंट होंगे उनके लिए अलग अलग नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं और ये पहली बार ग्लोबल मीट हो रहा है। और इससे पहले कि मैं अपना स्टेटमेंट समाप्त करूं, मैं कांग्रेस को बताना चाहूंगा कि कांग्रेस ने तो कभी कुछ किया ही नहीं, उनको यहाँ के विकास को लेना देना था ही नहीं, तो कांग्रेस जिससे कुछ नहीं किया वो हमारी नीति पर नहीं। लेकिन देवेंद्र भसीन जी, सरकार में आप हैं तो सवाल भी तो आप ही से होगा ना। मथुरा दत्त जी, मथुरा दत्त जी, जब लगातार देवेंद्र भसीन जी भी आंकड़े गिना रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आंकड़े सामने रख रहे हैं और लगातार भागदौड़ भी कर रहे हैं, तो फिर आपको संशय कहाँ है?
प्रशंसा की बात आपने कही, बड़ी सही बात है। मेरी समझ बात में आपकी, आप जैसे विद्वान व्यक्ति, बुद्धिजीवी व्यक्ति बहुत अच्छा बोल रहा है। पता नहीं भाजपा में कैसे बन गए कि इतना झूठ तो सफेद झूठ नहीं बोला मेरे साथ। मैं जो आप कह रहे थे कि हम सवाल और सुनते इसलिए हो रहा है, सचिन साहब को अच्छी तरह याद होगा कि 2018 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, त्रिवेंद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, 1,25,000 करोड़ के एमओयू साइन किए, लेकिन आज तक भाजपा का एक भी न छोटा नेता, न बड़ा नेता, न सचिन साहब जैसा वरिष्ठतम नेता ये नहीं बता पा रहा कि 2018 में इस प्रदेश में कितनी इंडस्ट्री धरातल में आई, कितने उन्होंने धरातल में उतारे, कितने लोगों को रोजगार दिया, कितनी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, पर कैपिटल इनकम क्या बढ़ी, इसका जवाब कोई नहीं दे पा। हम यही तो कह रहे हैं, हम कहीं विरोध हम कर रहे मुख्यमंत्री ने देखा आ रहे हैं, अच्छी बात घूम रहे हो, जा त्रिवेंद्र सिंह जी गए थे। और एक महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको, देवेंद्र भसीन जी, पर भसीन जी बात मेरी जी जवाब दीजिएगा, नहीं मेरी बात चुपके दीजिएगा, ये बात कही है, ये कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड है जो बार बार बजाया जाता है। आप ये बस पहले बजाते रहे, अब भी बजाएंगे नहीं। मथुरा दत्त जी आपके पास आऊंगी, आपने सवाल किया है, जवाब ले लेते हैं पहले। भसीन जी जवाब दीजिएगा, जहाँ तक सवाल है कितने जो पैसा जो है धरातल पर आया, हम बार बार कांग्रेस को बता चुके हैं, लेकिन इनको याद भी नहीं रहता कांग्रेस के मित्रों को, 40,000 करोड़ रुपया जो है उसमें से धरातल पर उतारा गया, और 40,000 करोड़ में जो क्षेत्र थे जिस पर काम हुआ उसमें सोलर एनर्जी का इश्यू था, उसे पर्यटन का इश्यू था, उसका जो फार्मा के इश्यू थे, इसी प्रकार से अन्य क्षेत्रों के अंदर भी फूड प्रोसेसिंग का इश्यू था, अन्य क्षेत्रों में भी नहीं। लेकिन देवेंद्र भसीन जी, 1,25,00,000 करोड़, 1,00,000 से ऊपर करोड़ की बात होती है, और उसके बाद 40,000 करोड़ अब आप इस समय गिना रहे हैं, 18 से लेकर 23 बीत गया है, आप 40,000 करोड़ गिना रहे हैं, तो ऐसे में आप ये बताइए कि 2,50,000 करोड़ का जो लक्ष्य आपने रखा है उसमें तो फिर आप कहेंगे 50,000 तो कर दिया। देखिए पहली बात तो ये है, आपको ध्यान में होगा कि इसके बाद तत्काल पूरी दुनिया के अंदर कोविड आ गया, और 2 वर्ष के अंदर जो स्थितियां पूरे विश्व के अंदर पैदा हो गई उसका प्रभाव हमारे मथुरा जी जवाब मिला आपको, दिक्कत नहीं थी, लेकिन कांग्रेस को चूंकि निगेटिव बोलना है, इनको तो चाहिए कि बताना चाहिए उत्तराखंड अच्छा स्थान है, मथुरा चाहिए मथुरा दत्त जी। हमारे साथ राजेश मिश्र जी भी लगातार बने हुए हैं। राजेश जी, सवाल जिस तरह से बार बार उठते हैं, सवाल आम आदमी पार्टी भी उठाती रहती है भारतीय जनता पार्टी के इन्वेस्टर्स मीट को लेकर, भसीन जी ने इस पर जवाब दिया है, क्या आप सहमत हैं इससे? प्रियंका जी, मेरा एक चीज मानना है कि बीजेपी के साथी प्रवक्ता जो भी कहेंगे वो बिल्कुल सही बोलते हैं, क्योंकि विपक्ष कभी भी सवाल उठाता है तो इनको वो सवाल समझ नहीं आता है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं, आदरणीय भसीन साहब ने अभी कहा कि 2,50,000 करोड़ का निवेश इस प्रदेश में आने वाला है, बहुत खुशी की बात है, अगर प्रदेश के अंदर निवेश आ रहा तो परेशानी किसको है, विपक्ष को कोई परेशानी नहीं है। हम उस निवेश के माध्यम से इस प्रदेश के अंदर कुछ आंकड़े इनसे मांग रहे हैं, वो आंकड़े क्या है कि आप जब ये निवेश इस प्रदेश के अंदर आएगा, आपने ये लक्ष्य तो रखा है कि 2,50,000 करोड़ का निवेश आप इस प्रदेश को देने वाले हैं, बहुत अच्छी बात है, आप उसके साथ साथ ये बताएंगे कि जो प्रदेश के अंदर रोजगार कार्यालय में 12,00,000 बेरोजगार युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करा रखा, उनमें से कितने युवाओं को आप इस 2,50,000 करोड़ के निवेश में रोजगार देने वाले हैं? और जवाब आप ये भी एक मिनट बात पूरी नहीं हुई, साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि क्या ये उसके साथ ये भी बताएंगे कि ये उत्तराखंड के अलावा उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों के लोगों को इस निवेश में आने वाली फैक्ट्री में रोजगार नहीं देंगे, केवल और केवल हमारे उत्तराखंड के बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिलेगा, क्या ये इस बात को कह पाएंगे? दूसरी बात, आप 7 साल से बीजेपी की सरकार इस प्रदेश के अंदर है, 9.5 साल से केंद्र के अंदर बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस दोनों की डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश के अंदर, केवल एक ऐसे में अगर आज भी 12,00,000 बेरोजगार युवक रोजगार कार्यालय में ठीक है भसीन जी से जवाब लेती हूँ। राजेश जी, भसीन जी जवाब दीजिएगा, बेरोजगारी जो सबसे बड़ी समस्या है उत्तराखंड में, उसको लेकर बार बार तमाम नेता बात तो करते हैं, लेकिन कैसे आप उसे दूर करेंगे, क्या प्लान है उसके लिए?
ये पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि धामी जी की सरकार के द्वारा जो कोशिश की गई, आज देश के अंदर हमारा राज्य बेरोजगारी के मामले में केवल दूसरे स्थान पर रह गया। एक बात, ये सरकारी आंकड़े हैं, केंद्र के आंकड़े हैं, जिस पर इनको विश्वास करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारी इंडस्ट्री लगेंगी 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के साथ, नहीं तो ठीक है, आप भसीन जी एक सवाल छोटा सा और सुन लीजिए बीच में। यदि आप दूसरे नंबर की बात कर रहे हैं तो आप ये आंकड़ा भी थोड़ा दे दीजिए कि कहाँ कहाँ बेरोजगारी आपने दूर की है, किन किन विभागों में नौकरियां लगी हैं, तो राजेश जी को भी जवाब मिल जाएगा और मथुरा जी को भी जवाब मिल जाएगा। देखिए पहली बात तो ये है कि इससे पहले जो है वो आंकड़े पहले जारी किए गए थे, क्योंकि आज का एजेंडा नहीं था तो लिस्ट मेरे पास नहीं है, लेकिन हमारी सरकार बाकायदा किस किस विभाग में कितने कितने लोग भर्ती किए गए ये हमने बताया था, एक बात। दूसरी बात, मैं एक मोटा सा आंकड़ा आपको देता हूँ, आज पूरे प्रदेश के अंदर 4000 हमारे होम स्टे चल रहे हैं। 4000 में अगर मान लीजिए कि हम 10 का एक एवरेज भी रहे तो 40000 का अकेला जो रोजगार है वो होम स्टे से प्राप्त हो रहा है। इसी प्रकार से और बहुत सारे क्षेत्र हैं, फार्मा के क्षेत्र में उत्तराखंड छलांगे लगा रहा है, इसी प्रकार से सोलर एनर्जी के कई क्षेत्रों में हमारा काम हुआ है, फूड प्रोसेसिंग का काम है, कई प्रकार के काम है। तो मैं निवेदन ये करना चाह रहा था कि वर्तमान में जो हमारे आंकड़े जारी हो रहे हैं उसमें बाकायदा बताया जा रहा है कि हम किस इंडस्ट्री से किस क्षेत्र के लिए हम जो है वो अपना एमओयू कर रहे हैं, हम सब कुछ बता रहे हैं। एक बात, मथुरा दत्त जी, मथुरा दत्त जी, ठीक है भसीन जी, आती हूँ मैं आपके पास। मथुरा दत्त जी, भसीन जी कह रहे हैं कि अब तो बेरोजगारी की बात करें तो दूसरे पायदान पे पहुंच चुका है, बहुत रोजगार दे दिए हैं उन्होंने, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी जुड़ा दिए, बहुत सारे जो अलग अलग टाइप के कारोबार होते हैं वो भी गिनाए हैं। क्या लगता है आपको, रोजगार मिले हैं उत्तराखंड में? और यदि मिले हैं तो फिर इतना हो हल्ला कांग्रेस क्यों कर रही है? नहीं नहीं, कहीं हो हल्ला नहीं करती है। आपके रोजगार तो नौजवानों पर लाठीचार्ज कौन कर रहा है? आज नौजवान सड़क पर घूम रहा है। आप एकता विहार में चले जाइए, कितने लोग तो अभी भी धरने पे बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास का घेराव कर रहे हैं। अभी 3 दिन पहले योग शिक्षक मुख्यमंत्री सचिवालय का घेराव कर रहे थे। ये तो एक कल्पित प्रश्न है। मैंने कहा सरासर सभी झूठ भाजपा के नेता चैनलों पर आके बोल रहे हैं। मैं सिंह साहब का बड़ा सम्मान करता हूँ, बुजुर्ग आदमी है, हमारे भी बड़े सम्मानित हैं। अगर मैं कह रहा हूँ विभागवार आंकड़े देने में क्या दिक्कत हो रही है कि आपने पुलिस में कितनी भर्तियां दी, चलो हम संगठित क्षेत्र के रोजगार की बात कर लेते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में आपने दिए हैं, टीचर्स आपने कितने नियुक्त किए बता दीजिए, पोलिटिकल स्टाफ आपने कहाँ दिया, पीडब्ल्यूडी में कितने इंजीनियर भर्ती हुए, इस तरीके की झूठ बोल के एक मुख्यमंत्री इनका मसीह जी जवाब दीजिएगा। ओयो होमस्टे की तो बात आपने कही है, वो नए एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें या प्राइवेट क्षेत्र में रोजगार की बात करें, लेकिन सरकारी क्षेत्रों में जो मथुरा दत्त जी ने सवाल पूछा है वो बताइए, कितनी भर्ती हुई आपकी सरकार में? मैं कह रहा हूँ मैंने क्या इमदाद रोजगार हमारे मैंने एक उदाहरण के लिए समय में डॉक्टर है। नहीं मथुरा दत्त जी, आप होम स्टे की बात कर रहे हैं, आप तमाम अलग डिपार्टमेंट्स की भी बात कर रहे हैं, लेकिन जब सरकार में आते हैं तब तो सरकारी विभागों में नौकरियों का दावा करते हैं ना, जनता से तो यही वादा करके आते हैं ना भसीन जी। मेरी पूरी बात भी तो सुन लीजिए, जिस होम स्टे की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा मेरा होम स्टे है मेरे गांव में, आप में मथुरा दत्त जी की 500 रूपए मेरे आज हमारे 2500 से अधिक जो है डॉक्टर ले गए, इसके अलावा आदमी होम स्टे हमारे ही समय के होम स्टे नहीं पर कोई जो है जो हमारी परिवहन की व्यवस्था है टूरिज्म को लेकर के वृद्धि हुई है, और यही कारण है कि आज चारधाम यात्रा में 50 लाख से अधिक यात्री आता है, मिल रहा है उसका लाभ। भसीन जी मथुरा दत्त जी का तो कहना है कि होम स्टे तो उन्हीं के समय के हैं, आपने इसमें नया क्या किया? नहीं नहीं कुछ नहीं बताया ना, कौन सा होम स्टे बनाया था इन्होंने, हमारी सरकार के समय में जिस समय श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री थे उन्होंने योजना शुरू करी थी, उसके बाद से तेजी दी गई, आज प्रदेश के अंदर 4000 से अधिक होम स्टे है और उसके लिए सब्सिडी हमने दी है और उसके लिए आगे बढ़ाने के हमने आदेश बनाए हैं, और केवल होम स्टे नहीं अन्य क्षेत्र में का हुआ तो मैं कह रहा हूँ ना आपसे, अगर सुविधाएं ना होती तो 50 लाख से अधिक श्रद्धालु उत्तराखंड चारधाम यात्रा में ना आते, 4 करोड़ लोग जो है हमारे आए हैं जो यात्रा हरिद्वार के लिए। मथुरा दत्त जी भसीन जी तो साफ कह रहे हैं कि सरकार तो 2 बार से उनकी है, आपने कब बनाए होम स्टे? किस कहा, मैं कह रहा मेरा होम स्टे व्यक्तिगत होम स्टे है मेरा,
व्यक्तिगत मैंने खोला हूँ, इससे रजिस्ट्रेशन के पैसे भी 500 निजी सरकार में खुला दे रहा हूँ मैं। आप बात को घुमा जू रहे हैं, लाभ क्या मिला, लाभ का जवाब दे दो हमको, लाभ क्या मिला हमको, आंकड़ा दे दीजिए ना, आपको जी महाराज जी आपका सवाल यहाँ पर ये कि होम स्टे से कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई फायदा नहीं होता लोगों को, रोजगार मिलता है या नहीं मिलता है? कहाँ रोजगार मिलना कह रहा हूँ मैं, बता रहा हूँ ना कहाँ पर्यटक कहाँ आ रहा है इनके यहाँ, किस होम स्टे, मैंने अपना होम स्टे कह रहा हूँ मैं, मेरे व्यक्तिगत इन्हीं के सर। राजेश जी के पास आती हूँ। राजेश जी, होम स्टे को लेकर हम बात तो हम यहाँ रोजगार और इन्वेस्टर समिट की कर रहे थे, लेकिन मथुरा दत्त जी का कहना है कि उत्तराखंड में तो पर्यटक नहीं आते, लेकिन मथुरा दत्त जी नया रिकॉर्ड बन गया श्रद्धालुओं का बद्रीनाथ धाम में, केदारनाथ धाम में, आप कह रहे हैं पर्यटक नहीं आते। केदारनाथ धाम की बात बिल्कुल अलग है, आप देख लीजिए ना, अन्य बनेगा, गंगोत्री का बनेगा, केदारनाथ का भी बनेगा, आ रहा है तो वहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में ये पर्यटक को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट की बात कही थी, वन डिस्ट्रिक्ट की बात कही थी इनकी सरकार ने, कही थी। ठीक है, इस पे मैं जवाब लूंगी, राजेश जी के पास पहले जाऊंगी। राजेश जी, मथुरा दत्त जी का कहना है कि कुछ जगहों को छोड़कर उत्तराखंड में पर्यटक नहीं आते, क्या कहना है इस पर आपका? प्रियंका जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मथुरा दत्त जी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ, मैं जिस जिले से आता हूँ ये हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का जिला है, मैं से आता हूँ और आप विश्वास कीजिए 24 घंटे में से यहाँ सिर्फ दिन भर में 4 घंटे बिजली रहती है, मेरी वीडियो स्टक कर रही है तो उसके सामने से लाइट चाहिए। अब आप अंदाज कीजिए जिस जिले से मैं आ रहा हूँ जब यहाँ पर लाइट नहीं है तो इतना निवेश को लाने की बात कर रहा हूँ, उन्हें बिजली कहाँ से देने की बात कर रही है? जब यहाँ का बच्चा पढ़ेगा नहीं, लिखेगा नहीं, पलायन करेगा, बेरोजगार रहेगा, अस्पतालों का बुरा हाल, सड़कों का बुरा हाल, स्कूलों का बुरा हाल, तो ये लोगों को निवेश के लिए जब यहाँ बुला रहे हैं और उनको जितनी फैसिलिटेशन देने की बात कर रहे हैं, उसके बाद अगर लोगों को यहाँ से निवेश डाल के हमारे प्रदेश से फायदा उठा के वापस भागना पड़ेगा। बसीन जी जवाब दीजिएगा, बसीन जी जवाब दीजिएगा, धरातल पर जब इस तरह की स्थिति है फिर आप इन्वेस्टर मीट की बात करते हैं, 2.5 लाख करोड़ के निवेश की बात करते हैं और फिर रोजगार की भी बात करते हैं, कैसे बढ़ाएंगे आप टूरिज्म जब दूर दराज के क्षेत्रों की ये हालत है अभी? देखिए पहली बात तो ये है कि हमारे मित्रों को उत्तराखंड के विकास की बात समझ आती भी नहीं और दिखाई भी नहीं, जो इन वर्षों में काम हुए हैं, चाहे सड़क का मामला हो, चाहे आपके एयर कनेक्टिविटी का मसला हो, चाहे हमारी जो, अरे तो देवेंद्र भसीन जी आपके आपके सामने मथुरा दत्त जोशी जी भी बैठे हैं, राजेश जी भी बैठे हुए हैं, फिर आपकी बात को सच कैसे मान लिया जाए? आप जो एरिया बताएंगे क्या वही माना जाए कि वही विकास है? नहीं, पहली बात तो ये, बात तो पूरे उत्तराखंड की हो रही है ना। हाँ मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं कह रहा हूँ कि पूर्व उत्तराखंड मेरे एक सवाल है, अगर मैं सीधा सा सवाल है आप जवाब देना चाहें तो उसका लाभ यही की बात कर लेता हूँ। ये तीर्थयात्री गिनने को तैयार? प्रियंका जी, 4 करोड़, मेरा एक सवाल है वसीम साहब, जी जी तो मिलने वाले, लीजिएगा मथुरा जी सवाल लीजिएगा, जो मैं साहब से ये पूछना चाह रहा हूँ, मैंने कहा इनकी पहली सरकार ने वो जो है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात कही थी और वन डिस्ट्रिक्ट वन डेस्टिनेशन तैयार करेंगे कहा था पर्यटकों को बढ़ाने के लिए, पर्यटक बढ़ावा, व्यवसाय को बढ़ावा दे, ये देहरादून में बता दें कि इनकी सरकार ने कौन सा डेस्टिनेशन तैयार किया विगत 5 वर्षों में? बस इनसे जवाब दीजिएगा, ओडीओपी का कौन सा नया डेस्टिनेशन तैयार हुआ है? मथुरा दत्त जी का सवाल है, देहरादून का पूछ रहा हूँ, बांकी नहीं पूछ रहा हूँ, चलो बांकी का तो इनको याद नहीं होगा। जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में, जॉर्ज एवरेस्ट सुना होगा आप लोगों ने, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में नया डेस्टिनेशन डेवलप हो, जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में आपने क्या कर दिया भाई? पहले से बना बनाया है, पहले था, आपने नया क्या बनाया इसका जवाब मांग रहे हैं? अरे हमने उसको पहले तो एक डेस्टिनेशन पहले से था, आपने वहाँ क्या बुनियादी सुविधाएं दी? चलो आपने बनाया भी तो आप बताओ आपके वो वहाँ पर क्या बुनियादी सुविधाएं आपकी है? पानी तक तो है नहीं वहाँ पर, यमुनोत्री गंगोत्री तो आपने नहीं बनाए, यात्री आ रहे तो क्या हुआ भाई? ऐसा नहीं होता, यमुनोत्री गंगोत्री में क्या डेस्टिनेशन तैयार किया आ रहे हैं? अब उत्तरकाशी का बता दो, नया पर्यटक स्थल तैयार करने की बात थी आपकी सरकार में, तो बिल्कुल कहीं आपने कुछ किया तो उसका जवाब दे दीजिए ना, हम तो उसका जवाब मांग रहे हैं। मैंने जो रूटीन की बात है वो अलग बात है, दूर मत जाइए, तो केवल जो है आप उत्तराखंड के मसूरी में आ जाइए, देहरादून के, वही एक नया डेस्टिनेशन खड़ा हो गया और ये सीधी पूरे प्रदेश में आगे विकसित हो रही है। अब आप बताइए इससे बड़ा झूठ और कुछ हो सकता है? प्रियंका जी तो मैं नहीं कर सकता। भसीन जी लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, 2.5 लाख करोड़ के निवेश की बात की जा रही है, भागदौड़ भी की जा रही है, उत्तराखंड की जनता को यदि कुछ भी मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी होता है कि जब तक दूर दराज के क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली की समस्या जो राजेश जी कह रहे हैं, इस तरीके
की समस्याएं जब तक बनी रहेंगी तब तक आप विकास की बात किस तरह से करेंगे। इन्वेस्टर्स मीट आप कीजिए वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी चीजों को ठीक करना भी तो आपकी जिम्मेदारी है। देखिए पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, जो बुनियादी चीजें हमारी सरकार का पूरा ध्यान उस तरफ है। उदाहरण के लिए अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो आज अटल आयुष्मान योजना हो चाहे आयुष्मान भारत योजना हो, आज प्रदेश के हर परिवार को जो है बीमा मिला हुआ है अपना मुफ्त इलाज कराने का, तो क्या ठीक नहीं है? इसी प्रकार से जो हमारे विभिन्न स्थानों पर हमारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, हमारे अस्पताल हैं, जो नई सुविधाएं हैं वो दी जा रही हैं। इसी प्रकार से हमने जो है शिक्षा के क्षेत्र में हमारी जो पुरानी जर्जर स्थिति थी स्कूलों की, उसको हम लगातार ठीक करने में लगे हैं। उच्च शिक्षा में हम लगातार आगे बढ़ ही रहे हैं। इसी प्रकार से रोजगार का मसला हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इस प्रकार सारी की सारी जो जी राजेश जी जो अपने आप में महत्वपूर्ण होते हैं। देवेंद्र भसीन जी यदि आप कह भी रहे हैं, यदि आप कर भी रहे हैं, लेकिन उस दृष्टि से या उतनी तेजी से नहीं हो रहा जो दिखाई दे लोगों को। जी राजेश जी, अब ये कांग्रेस को दिखाई दे रहा है, आम आदमी पार्टी दिखाई दे रहा है, हमारा कसूर नहीं है ना। कहना चाह रहा हूँ, बार बार बीच में इंटरप्ट हो जा रही है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आपके राजनीति चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ आदरणीय भसीन साहब से पूछना चाहता हूँ, मैं ये मान रहा हूँ कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री त्याग और समर्पण की जीवन मूर्ति है, मेरा मान रहा हूँ। इस प्रकार से वो एक अकेले ऐसे शख्स है जो करवा चौथ के व्रत के दिन हमारे प्रदेश की उन्नति के लिए अन्य प्रदेश में थे, और आज सारे अखबारों ने फ्रंट पेज रोज फोटो को दिया है कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश की उन्नति के लिए, निवेश लाने के लिए अहमदाबाद में और करवा चौथ का व्रत आदरणीय गीता धामी जी ने यहाँ सर्टेड आउट किया। मैं ये कहता हूँ, इस देश के जो जवान जिनकी वजह से आज हम आप सुरक्षित हैं, जिनकी वजह से धामी जी सुरक्षित है, आज उन जवानों की कोई बात नहीं करता है। इतने जवान शहीद हो रहे हैं उनकी कोई बात नहीं करता। और राजेश जी समय मेरे पास नहीं है, जल्दी से अपनी बात खत्म करिएगा जी। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भी ये निवेश ला रहे हैं बहुत अच्छी बात है, निवेश का स्वागत है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, ये इस मंच से ये भी बता दें कि हमारे प्रदेश के 12 लाख बेरोजगार युवाओं के राजेश जी ठीक है, लेकिन आप सरकार यदि प्रयास कर रहे हो और आप मान भी रहे हैं कि मेहनत कर रहे हैं तो समय देना होगा, और समय देने के बाद यदि कुछ नहीं होता है तो जरूर सवाल करने के लिए आपके पास भी प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। राजेश जी बहुत धन्यवाद, मथुरा दत्त जोशी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और देवेंद्र भसीन जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार उत्तराखंड में जिस तरह से इन्वेस्टर्स मीट को लेकर तैयारी चल रही है, लेकिन कांग्रेस के द्वारा सवाल भी उठाया जा रहा है। ये सवाल उठाया जाता रहेगा जब तक धरातल पर चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, लेकिन चलते चलते आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। दिल्ली, लंदन, दुबई के बाद अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देश के तमाम राज्यों में इन्वेस्टर्स समिट को लेकर जो मोर्चा संभाला था, उसके बाद अहमदाबाद में भी उन्होंने झंडा गाड़ने का दावा किया है। अहमदाबाद में हुए रोड शो के दौरान 20,000 करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं। अब लंदन, दुबई, दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में हुए रोड शो के दौरान राज्य सरकार ने कुल मिलाकर 79,300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव पर एमओयू साइन कर चुकी है। साफ है उत्तराखंड में आने वाले 8 दिसंबर और 9 दिसंबर को होने वाले इन्वेस्टर्स समिट को लेकर राज्य सरकार ने जो दावा किया था उस आंकड़े के वो करीब पहुंच चुकी है। 2.5 लाख करोड़ के निवेश का लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया हुआ है, और इसी के तहत राज्य सरकार लगभग 90,000 करोड़ के एमओयू साइन कर चुकी है। सरकार दावा कर रही है कि निवेश के लिए 6,000 एकड़ का लैंड बैंक राज्य सरकार ने तैयार कर रखा है। सरकार कमर कस चुकी है। मैं बताना चाहता हूं कि 4 जो जिले हैं हमारे, जिसमें नैनीताल और देहरादून 2 जिले हैं जहां पर आंशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्र है, हिल स्टेशन भी है, और हरिद्वार और उधम सिंह नगर पूरी तरह से मैदानी क्षेत्र है, और वहां पर बड़ा बड़ा इंडस्ट्री का हब है, जिसमें आप जानते हैं जहां पर हमारे अनेकों संस्थान उद्योग समूह स्थापित हैं। हरिद्वार में बड़ा सिटकुल हमारा है, उधम सिंह नगर में बड़ा सिटकुल है। तो लोगों के मन में कई बार शंका होती है कि नहीं कैसे जाएंगे। उसके अलावा पहाड़ के अंदर एक से एक स्थान है, अभी आपने देखा होगा इसमें यहां पर जो दिखाया गया, तो अभी टिहरी है, मुक्तेश्वर है, कौसानी है, औली है, देहरा बुग्याल है, ऐसे बहुत सारे स्थान हैं जहां पहाड़ों में भी अपार संभावनाएं हैं। तो इसलिए
मैं आप सबके बीच में आया हूं कि जिन्होंने उत्तराखंड नहीं देखा है उनको एक बार उत्तराखंड जरूर देखना। जहां एक तरफ सरकार के साथ साथ बीजेपी संगठन भी निवेश को लेकर हो रहे प्रयास को लेकर गदगद है, तो वहीं कांग्रेसी इस सम्मेलन को लेकर पहले से ही सवाल उठाते आए हैं। कांग्रेस को जब कुछ दिखाई नहीं देता इस प्रकार के बयानबाजी करते हैं। आखिरकार सरकार के तंत्र जब कोई चीज तय करता है तो उसके अंदर सब प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई जाती है, लाइन की व्यवस्था बनाई जाती है, उद्यम पहले भी स्थापित हुए हैं। इस बार उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से उद्योग लगने चाहिए, इस संदर्भ में जब कोई भी उद्यमी चर्चा करेगा सबसे संदर्भ में चर्चा होती है, उसके लिए रास्ते बनाए जाते हैं। और आज 2.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के सापेक्ष 90 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट हो चुका है और मुझे पूरा विश्वास है दिसंबर में हमें ये अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ेगा और बड़ी संख्या में उद्यमी उत्तराखंड राज्य में आएंगे। अच्छी बात है, 90 का क्या 180 का प्राप्त करें हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन हम बार बार करें कि 2018 की तरह MOU साइन न करें। सरकार पर अगर नैतिकता होती तो 2018 के MOUs की क्या स्थिति है उस पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए था, उस पर जनता को बताना चाहिए था। वो भी इन्हीं के मुख्यमंत्री थे, वो कहीं बाहर से लाए मुख्यमंत्री नहीं थे या कांग्रेस के मुख्यमंत्री नहीं थे। तो अभी मुख्यमंत्री को हमारी ये राय है कि वो जो भी MOU दस्तखत करें वो धरातल पे उतरने चाहिए। उत्तराखंड इन्वेस्टर्स समिट के लिए उत्तराखंड राज्य पूरी तरीके से तैयार है। प्रशासन की टीमें भी समिट को सफल बनाने के लिए काम शुरू कर चुकी है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2.5 लाख करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा। उस निवेश के करार को लेकर सरकार सफल होगी या फिर नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। निवेश को लेकर जिस तरह से सियासी तकरार देखने को मिल रही है उससे साफ है कि धामी की राह में विपक्ष पत्थर बनकर खड़ा हुआ है। अब देखिए कि कैसे ये पत्थर मील का पत्थर बनता है या फिर आने वाले वक्त में ये इन्वेस्टर समिट सियासत का फसाना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, देहरादून।